आज मैं आप लोगों के लिए बेसन की बिल्कुल ही नया तरीके की सब्जी की रेसिपी लेके आया हूँ। इसे मैंने बिना लहसुन प्याज के बनाया है, लेकिन खाने में इतना टेस्टी लगता है जिसका कोई जवाब नहीं। तो चलिए फिर बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन की नए तरीके की सब्जी, जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक कटोरी बेसन। तो आप यहाँ देख सकते हो, एक कटोरी बेसन हमने ले लिया है। इस बेसन को क्या करेंगे कि एक बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने एक बर्तन ले लिया है, उसमें हम डाल देंगे बेसन को। बेसन एक कटोरी है, तो इसमें हम लेंगे आधा कटोरी दही। उसी कटोरी से हम आधा कटोरी दही लेंगे। फेटा हुआ दही भी हमने डाल दिया है। दही के साथ ही इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। दो तीन हरी मिर्च ले ले और थोड़ा सा अदरक, उसको बारीक दरदरा कूट ले, वही उसमें डाल देंगे। साथ में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो आप यहाँ देखेंगे नमक भी डाल दिया हमने। अब हम इसमें डालेंगे दो तीन पिंच हल्दी पाउडर, दो तीन पिंच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालने के साथ ही इसमें डालेंगे एक पिंच हींग। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने हींग भी डाल दिया है। हींग डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि हम किस तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, उसी तरह से आपस में इसको मिक्स कर लेना है। यह बेसन की सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप इसे पूरी, पराठे, रोटी, चावल, पुलाव किसी भी चीज़ के साथ बना के खाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसे मैंने बिना लहसुन प्याज के बनाया है और बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि इसमें लहसुन प्याज नहीं दिया हुआ है। टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है इसका। तो आप यहाँ देखेंगे कि इन सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। साथ में डालेंगे इसमें दो पिंच खाने वाला बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप लोग एक बार मेरे तरीके से बेसन की सब्जी बना के ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप यहाँ देखेंगे कि इन सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल हमने लगा दिया है, उसको चारों तरफ से इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसमें ये बेसन डाल देंगे। तो आप देख सकते हो हम किस तरह से इसको डाल दे रहे हैं। उसको डाल के और इसको चारों तरफ से एक समान में इसको हम फैला लेंगे। तो चम्मच की मदद से हम इसको इस तरह से फैला दे रहे हैं। आप देख सकते हो किस तरह से हम कर रहे हैं, उसी तरह से आपको बना लेना है। अब हम इधर गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे चढ़ाया हमने एक गिलास पानी और पानी डाल के ऊपर से स्टैंड डाल दिया है। स्टैंड डाल के उसमें हम ये डाल देंगे बेसन वाला ट्रे। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने पानी किस तरह से रखा हुआ है, ऊपर से स्टैंड डाल दें और उसके ऊपर से बेसन वाला डाल देंगे। तब इसको हम 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो हमने इसको ढक दिया है। 10 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पर पकने देंगे। 10 मिनट जब हो जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि अब 10 मिनट हो चुका है। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। 10 मिनट के बाद इसको हल्का ठंडा होने पर इसको हम पलट लेंगे। तो एक प्लेट ले लेते हैं और इसको हम दूसरी तरफ से ट्रांसफ़र कर लेंगे पलट के। तो आप देख सकते हो किस तरह से इसको पलट रहे हैं, कितने आसानी तरीके से अब निकल जाएगा। अब हम इस बेसन को पीस में कट कर लेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे किस तरह से इसको हम कट कर रहे हैं, उसी तरह से आपको छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। यह सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, आपके घर के बड़े बच्चे सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोग एक बार इस तरह से बेसन की सब्जी बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगेगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को बेसन वाली सब्जी कैसी लगी। तो आप यहाँ देखेंगे कि मैंने इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। इधर गैस पे मैंने पैन में डाल दिया है दो तीन चम्मच तेल। तेल डाल के इसको गर्म होने देंगे। साथ में डालेंगे एक चम्मच भर के उजला वाला तिल। तो आप देख सकते हो तिल हमने डाल दिया है। तिल डालने के साथ दो हरी मिर्च को हमने बारीक कट करके रखा था, वही हम इसमें डाल दिए हैं। इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करके चला लेंगे। साथ में डालेंगे 12 से 14 करी पत्ता। करी पत्ता भी डाल के इसको आपस में मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ बेसन वाला पीस। तो आप देख सकते हो अब हम इसमें बेसन वाला गट्टा डाल दे रहे हैं। बेसन के गट्टे को डालने के बाद हम इसको आपस में मिक्स कर लेंगे एक मिनट तक, और इसको एक मिनट तक भूनते हुए चला लेना है। एक मिनट तक चलाने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसमें डालने के लिए हमने लिया आधा कटोरी फेटा हुआ दही। साथ में डाला है उसमें आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और दो तीन पिंच नमक। आप यहाँ देख सकते हो दही के हिसाब से हमने नमक लिया है। बेसन में हमने पहले से नमक डाला हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे फेटा हुआ दही
अब डालेंगे इसमें 2 से 3 पिंच गरम मसाला पाउडर। तो आप यहाँ देख सकते हो गरम मसाला पाउडर डाल दिया हमने, और इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। और ये बेसन का गट्टा और दही आपस में मिक्स हो चुका है। अब गैस के फ्लेम को हम कर देंगे बंद। आप लोग इस तरह से एक बार बेसन के गट्टे की सब्जी की रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करें, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।